हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनिया एंड दिस इज सोनिया सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ CSJMU से है। वैसे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही चुका होगा, बट आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि डिस्क्रिप्टिव होगा या आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं क्लियर कर दूँगी। सब कुछ इसमें टाइम टेबल जिस तरह से दिया है वो सारी एक एक चीज़ को, क्योंकि इसमें क्लियर दिया हो, इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं अभी एग्ज़ाम को लेकर के, तो उसको मिस मत कीजिएगा। साथ साथ अगर आपको पेड नोट्स चाहिए, पेड क्लास चाहिए, MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो कि आगरा में है, अगर वो चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए जो आपको नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं CSJMU की, जो इन्फॉर्मेशन आया हुआ है वो क्या है और किस तरह का है। तो देखिए, ये तो आया वैसे कल ही है, लेकिन आप लोग जो मुझे मैसेज कर रहे हो कंफ्यूजन में कि अभी भी है डिस्क्रिप्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो BEd तथा MEd का एग्ज़ाम है और जब लिया जाएगा उसका डेट। आगे देखते हैं, हाँ ये रहा आपका सिलेबस डेट शीट। 25 तारीख से एग्ज़ाम होना है, 25 जून से। और एक बहुत ही गलत काम ये किया गया है कि इसमें जो है आपको गैप नहीं दिया गया है, तो आपको रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं मिला है, कंटिन्यूस क्लासेस होंगे। एक लकीली आपको जो है 25 के बाद संडे मिल गया, इसलिए आपको एक दिन मिल जा रहा है, अदरवाइज़ वो भी नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम पे देखेंगे, टाइम क्या है, 8:30 से 10, तो इसका मतलब डेढ़ घंटे का एग्ज़ामिनेशन मतलब MCQ क्लियर है। डेढ़ घंटे का एग्ज़ाम मतलब MCQ, तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव करके जाइए तैयारी, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो 25 को आपका जो है पहला पेपर है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंज। फिर 27 को है, क्योंकि 26 संडे है, मंडे उस दिन है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। 28 आपका एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, और 29 एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इस तरह से ये एग्ज़ाम जो है आपका 29 तक ख़त्म हो जाएगा, 25 से स्टार्ट होकर के। तो CSJMU ने तो अपना काम कर दिया है। अब ये अच्छा आप लोग के लिए रहेगा कि अगर CTET का एग्ज़ाम आ जाता है तो फॉर्म आ जाता है, तो आप लोग का एग्ज़ाम हो गया रहेगा, तो रिज़ल्ट आएगा और अच्छे से आप CTET भी क्रैक कर लोगे, तो आप लोग के पास सफिशियंट टाइम भी रहेगा। तो ये रहा CSJMU का जो कि डेट से रिलेटेड, एंड इसका स्कीम वेरी क्लियर है, आपका MCQ बेस्ड होने वाला है, कोई इसमें सोचने की बात नहीं। तो इससे रिलेटेड और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।